खबर गाजीपुर जनपद से जहां जालसाजी और धोखाधड़ी कर महिला के खाते से ग्राहक सेवा केंद्र से निकाले गए 25,000 रुपए से संबंधित 3 अभियुक्तों को बरेसर थाना पुलिस व साइबर की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार कर लिया। बताते चले की गुड़िया देवी पत्नी रामसीस ग्राम बसंतपुर थाना जंगीपुर जनपद गाजीपुर के आधार कार्ड के नंबर लेकर व उसका फर्जी तरीके से फिंगर प्रिंट बनाकर उसके खाते से ग्राहक सेवा केंद्र लखनौली से 25,000 रुपए निकाले। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में साइबर अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी, वांछित इनामी अपराधियों, चोरों, लुटेरों आदि के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में संयुक्त टीम ने साइबर अपराध से संबंधित घटना में संलिप्त अभियुक्तगढ़ अजीत कुमार पुत्र मोतीराम राजकुमार उर्फ राजा पुत्र चंदीप राम ग्राम चटाईपारा धर्मेंद्र राजभर उर्फ राजू पुत्र अमृत राजभर एवं ग्राहक सेवा केंद्र अरकपुर के संचालक रंजीत यादव पुत्र ओम प्रकाश निवासी ग्राम अख्तियारपुर थाना नूनहरा जनपद गाजीपुर रहे। इनमें से मुख्य अभियुक्त अजीत कुमार पुत्र मोतीराम निवासी ग्राम अख्तियारपुर थाना नूनहरा जनपद गाजीपुर घटना के बाद से फरार हैं, जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम प्रयास कर रही है। इनके द्वारा गुड़िया देवी पत्नी रामासीस कुशवाहा निवासी ग्राम बसंतपुर थाना जंगीपुर जनपद गाजीपुर के खाते से ग्राहक सेवा केंद्र लखनौली से निकाले गए 25,000 रुपए से 24,000 रुपए बरामद किए गए हैं। पुलिस टीम ने रात करीब 1 बजे अभियुक्त राजकुमार उर्फ राजा पुत्र चंदीप राम ग्राम चटाईपारा थाना नूनहरा जनपद गाजीपुर को घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल नंबर UP 61 AP 1890 के साथ गिरफ्तार करते हुए अन्य अभियुक्तों को उनके गांव के पास से गिरफ्तार किया गया। परेसर क्षेत्र में कुछ दिनों पहले एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था IT एक्ट में 109/22 धारा 419 धारा 420 67 68 71 इन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था, साथ ही में IT एक्ट में भी था। साइबर टीम को इन लोगों के पीछे जो है वो लगाया गया था। इसमें केस ये था कि एक महिला जो कि ग्राहक सेवा केंद्र पे गई थी अपने कुछ पैसे डिपॉजिट करने के लिए, तो लगभग 25,000 रुपए जो उन्होंने ये किए थे उनके खाते से 25,000 रुपए का विड्रॉल जो है उस समय पे हुआ था। महिला को इसकी जानकारी बाद में हुई थी किस तरीके कोई विड्रॉल उनके खाते से हुआ है। मुकदमा इसमें पंजीकृत जो है वो किया गया था। 3 लोगों की गिरफ्तारी पुलिस न को सफलता मिली है, राजकुमार उर्फ राजा, धर्मेंद्र राजभर और रंजीत यादव। इन 3 लोगों से जब पूछताछ न की गई टीम द्वारा तो ये बताया गया कि इसी तरीके की जो कम पढ़ी लिखी महिलाएं हैं या गांव के ग्रामीण क्षेत्रों के जो व्यक्ति हैं उनका वो लोग जब ग्राहक सेवा केंद्र पे आते हैं तो उनका फिंगर प्रिंट जो होती है उसका क्लोनिंग किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज करके। एक रबर स्टैम्प उनके फिंगर प्रिंट का जो है इस तरीके से बनाया जाता है और बाद में उनका आधार कार्ड नंबर वगैरह ज्ञात करके इन्हीं ग्राहक सेवा केंद्रों से उनके खातों से भारी मात्रा में या बड़ी मोटी रकम जो है वो विड्रॉ की जाती है। इन गैंग को अभी हम लोग और ट्रेस आउट कर रहे हैं। इसमें ग्राहक सेवा केंद्र का जो ये संचालक है रंजीत यादव ये भी इसमें गिरफ्तार हुआ है और अन्य जो है वो लोग गिरफ्तार हुए हैं और इस पे काम जो है वो किया जा रहा है। अच्छा सर, पिछले कुछ समय से साइबर क्राइम की घटनाएं काफी बढ़ी हैं, तो इसको लेकर पुलिस क्या? साइबर टीम को गठन हम लोगों ने ऑलरेडी साइबर टीम का गठन हुआ है और लगातार जो है जो भी शिकायतें साइबर रिलेटेड हम लोगों को प्राप्त होती है लगातार उसको सुलझाया जाता है, उनको सॉल्व किया जाता है। जैसे इस तरीके के जो भी मामले हैं और सघनतापूर्वक इनके इनका ट्रेनिंग कहाँ से हुआ है, इन लोगों ने कहीं ट्रेनिंग जहाँ से लिया होगा, ट्रेनिंग किसने दिया है, इन लोगों को कौन से डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं, किस प्रकार का मोडस ऑपरेंडी, सारे चीज़ों के ऊपर प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन और इंट्रोगेशन जो है वो किया जा रहा है।